ये जो पहला सेट है क्वेश्चन नंबर 1 to 4, ये 2020 सीमैट का पेपर है। ये सीमैट के क्वेश्चन अब इसलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम भी एनटीए कराती है, तो इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करना जरूरी है। तो देखिए, ये सेट में क्या दिया गया है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दिया गया है इन 100 में, ठीक है, इन 6 डिफरेंट ईयर, इन 5 डिफरेंट स्कूल, ये पूरा पूरा डाटा दिया गया है। आपसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल डी इन द ईयर 2017 एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। इसको बताइए चैट बॉक्स में, सब लोग जो है इसका आंसर बताइए। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं इसको। देखिए क्या दिया गया है कि परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल डी, ठीक है ना, इन द ईयर 2017 एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। अब ये देखिए, ये 2017 है। अब देखिए यहाँ पे 2017 में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 5300, ठीक है ना, सॉरी 530, 100 में दिया गया है ना, यहाँ पे डाटा जो है 100 में, ठीक है ना। तो 2017 में बॉयज कितने हैं, 530, और प्रीवियस ईयर बॉयज कितने हैं, 640। तो आप ये बताइए इनका डिफरेंस कितना हुआ। 110 परसेंटेज निकालना है ना, तो 110 किससे निकालना है, इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर इन टू 100। अब एक काम करते हैं, ये 0 0 कैंसिल, ये 64 है ना, इसको 66 कर लेते हैं, तो कितना होगा, 6 बार जाएगा। अब 100 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितना होगा, अप्रॉक्स 16 पॉइंट समथिंग होगा। अब आप देखिए, जो भी ऑप्शन है ना, इसमें बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, तो 16 के आसपास क्या आंसर है, 17, टिक कर दीजिए। अगर कहीं होता ऐसे 17 होता, कहीं 16.5 होता, कहीं 16 होता, कहीं 18 होता, तब इसको एग्जैक्ट पूरा पूरा सॉल्व करते, ठीक है ना। 30 सेकेंड में सॉल्व करना है, इसलिए डिफरेंस तो रहेगा ये ऑप्शन में। इसको देखिए, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी इन द ईयर 2018 इज अप्रॉक्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ई इन द ईयर 2015। इसको बताइए। ये बाइलिंगुअल इसलिए नहीं है ना, क्योंकि ये सीमेट का कॉपी पेस्ट है, 2020 का पेपर। सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। देखिए क्या दिया गया है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी इन द ईयर 2018, तो 2018 में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 590, ठीक है, इज अप्रॉक्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ई इन द ईयर 2015। तो बताइए, स्कूल ई में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ये 550 और 360, तो ये कितना हो जाएगा, 910। और यहाँ पे 18 में गर्ल्स कितनी है, 590, तो इसका जरा परसेंटेज निकाल दीजिए, 590, और ये कितना हो जाएगा, 910 इंटू 100, ठीक है ना। अब देखिए काम करते हैं, अब आप देख लीजिए डिफरेंस है कि नहीं, बहुत ज़्यादा।
ऑप्शन में। तो इसका एक काम ये करते हैं कि ये जो 590 है ना, इसको कर देते हैं, इसको कर दे, 0 0 तो पहले कैंसिल कर दीजिए, तो 59 को 60 कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या है, 91 है ना, तो इसको 90 कर देते हैं, ठीक है, इंटू 100। फिर 0 0 कैंसिल हो ही रहा है, 3 2 6 3 3 9, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 33 पॉइंट समथिंग होगा, 66 के आसपास देखिए कोई आंसर है, 65, सिंपल, ठीक है। आपको ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब जो इसको पूरा सॉल्व करेगा तो कहेगा फिर अंदर टाइम में पेपर कैसे हो पाएगा। तो आपको जो है ना, जब देखिए जब ऑप्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो आप इसको अप्रॉक्स के तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको बताइए, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए इन ऑल ईयर टेकन टुगेदर। इसको ऐड कर दीजिए, 360, 420, 690, 960, ठीक है, 1290, 1440, इसको ऐड करिए कितना आ रहा है, 5160 आ रहा है, ठीक है। अब कितने साल हैं, 6 साल है, डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा, 860, सिंपल है ना। अब ऐड करने में जितना टाइम लगे आपको, इसको बताइए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी इन ईयर 2018, ठीक है ना, टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए इन द ईयर 2018, बताइए। देखिए 20 सेकेंड का ये है इसका सॉल्यूशन, कितने हैं यहाँ पे, सी में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 870, ठीक है ना, और 2018 में ए में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो 1290, ये कैंसिल हुआ, ये देखिए 3 से चला जाएगा ना, 2943, सिंपल था। चलिए सभी का ही लिया होगा, किसी में डाउट होगा ना तो रिपीट बोल दीजिएगा। चलिए ठीक है, देखिए ये नेक्स्ट सेट है और इसमें क्या दिया गया है कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली, ठीक है। मार्क्स मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट इन एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। मैथ्स आउट ऑफ 196 है, बी का 85 है, ऐसे है टोटल। क्वेश्चन देखते हैं, अप्रॉक्स व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस इन द परसेंटेज बिटवीन द परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाई एनी टू स्टूडेंट, इसको बताइए। देखिए ये 105 है और ये 120 है, ठीक इसको करके बताइए।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए पूछा गया ना कि मैक्सिमम डिफरेंस इन परसेंटेज बिटवीन द परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय एनी टू स्टूडेंट। ये जो टोटल मार्क्स है ना, थ्री सबका आया हुआ है, सब कितने में से है? आई थिंक 450 में से है टोटल, ठीक है। तो देखिए अभी परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक काम करिए, देखिए सबसे अधिक नंबर किसका है, तो ये कितना है 382, सबसे अधिक मार्क्स कितने हैं 382, और सबसे मिनिमम कितना है 271। तो जिसका सबसे अधिक मार्क्स है इसका सबसे परसेंटेज भी सबसे ज्यादा होगा, और इसका सबसे परसेंटेज कम होगा, तो अभी हम नंबर से ही काम चला ले रहे हैं। इसका डिफरेंस कितना हो रहा है, ठीक है, 111 है ना। चलिए टोटल मार्क्स कितने का है, तो टोटल जो है ये 100 हुआ, ये 200 हो गया, 300 हुआ, और 150 इधर से हो गया, टोटल 450, ठीक है। आपको यही क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आंसर है ना, थोड़ा सा क्लोज में है, 22 भी है, 24 भी है, 26 भी है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और एग्जैक्ट आंसर जो है ये 24 आएगा, ठीक है, 24 पॉइंट समथिंग, तो 24 सही आंसर होगा। अगर इसको सॉल्व करना रहे ना, तो एक काम ये कर सकते हैं, ये कितना है 11 है ना, इसको 110 कर देते हैं, ठीक है, और ये कितना है 450 है ना, तो इसको 440 कर लेते हैं, इंटू 100 कर लेते हैं। अब देखिए ये 0 0 कैंसिल, ये 4 बार में जाएगा, कितना होगा 25, ठीक है। अब आप ये बताइए कि हमने क्या किया है, हमने डिनोमिनेटर को कम किया है, और आपको एक बार डीआई में बताया था हमने कि कभी भी अगर आप डिनोमिनेटर कम करते हैं ना, तो वैल्यू क्या आती है, अधिक आती है। इसका मतलब ये जो 25 आया है ये क्या है, अधिक है, वैल्यू क्या होगी, इससे कम होगी, इससे वैल्यू क्या होगी, कम जो होगी वो क्या होगी, 24, 22 तो फिर ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्लोज है, इसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, या आपके पास टाइम कम है तो ये वाला ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको बताइए, दिया गया है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय सी इन फिजिक्स आर व्हाट अप्रोक्स परसेंट ऑफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश बाय ऑल द स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, सी का मार्क्स कितना है फिजिक्स में 72, और एवरेज पूछा है ना इंग्लिश में सभी के कितने स्कोर हैं, तो इन सभी को जरा टोटल करिए, सभी को टोटल करने पे कितना आ रहा है, 544 है ना, 6 से इसको डिवाइड करिए, तो जब इसको आप 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 90 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, तो इसको भी 90 कंसिडर करते हैं, और ये कितना है 72 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, ठीक है, जरा करिए कितना होगा, ये आ जाएगा 80, ठीक है, 80 आंसर हो जाएगा। इसको बताइए कि हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मोर मार्क्स देन एवरेज मार्क्स ऑब्टेन इन फिजिक्स बाय ऑल द स्टूडेंट। देखिए फिजिक्स में कितने हैं, 55 है, 60 है, 72 है, 69 है, 70 है, 54 है, एवरेज से ज्यादा कितने के मार्क्स हैं, क्या करिए, सब प्लस कर दीजिए, प्लस करने पे कितना आएगा, थ्री एट्टी, 6 से इसको डिवाइड करिए कितना होगा, 63.3, इससे अधिक देखिए एवरेज से मार्क्स किसके अधिक आए हैं, तो एक 72 है, एक 69 है, और एक 70 है, तो 3 लोग हैं केवल ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, मार्क्स ऑब्टेन बाय एफ इन फिजिक्स एंड इंग्लिश टुगेदर आर व्हाट अप्रॉक्स परसेंट ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय डी इन ऑल द सब्जेक्ट। यहाँ से 54 हो गया, और इंग्लिश में कहा गया था ना, इंग्लिश में कितना हो गया, 76 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 130, एंड टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाई डी इन ऑल द सब्जेक्ट, तो डी का देखिए सारे सब्जेक्ट में मार्क्स कितना है, स्क्वाड कर दीजिए, इसको ऐड किया गया था ना, उसमें ऐड किया गया था, फिफ्थ वाले में ऐड किया गया था, कितना है ये डी का, 321, तो 130, 321, इसको कैलकुलेट करिए, ठीक है।
तो देखिए इसको क्या किया जा सकता है, ये 130 है ना, इसको 320 किया जा सकता है, इंटू 100 हो गया, ठीक है, 0 0 कैंसिल, 5 16 है, ठीक है। सॉरी, यहाँ से 0 कैंसिल करिए, ये ज़्यादा आसान होगा। थोड़ा बहुत बस कैलकुलेशन करना है आप, ये 130 है, ये 320 कर लीजिए, इनटू 100 कर लीजिए, ये 0 0 कैंसिल कर दीजिए, ये 50 16 होगा, फिर 8 और 25 होगा, है ना। तो करिए, ये कितना होगा, 1.5 या 1.6 आएगा, कितना आएगा, 1.6, 25 × 1.6 कितना होता है, 40, ठीक है ना। चलिए सिंपल था, बस कैलकुलेशन करना है इसमें आपका। लास्ट क्वेश्चन, हु स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। तो अभी हम लोगों ने फिफ्थ वाले में किया था ना, जिसका सबसे अधिक स्कोर आ रहा था वही क्या है, टॉप पे है, इसका आंसर बताइए। एक जगह आपने कहीं कैलकुलेशन किया है तो दूसरे क्वेश्चन में वो हेल्पफुल होगा ही, वो कैलकुलेशन। सबसे अधिक मार्क्स जो है किसके थे, फिफ्थ वाले में आइए, वहां टोटलिंग हुई है ना, देखिए सबसे अधिक किसके मार्क्स हैं, 382, ई के सबसे अधिक मार्क्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये सही आंसर है, सिंपल था।